बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ पूरा शेख। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक बेस लेकर आई हूँ, जो है शेफर की हैंडी ब्राइडल बेस होती है। ये बहुत ही अच्छी होती है, ये 3x कवरेज देती है। ये पेंट ग्लोइट पेंट स्टिक है और ये नॉन ग्रीसी है, 100% हलाल प्रोडक्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप इसको ब्राइडल मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पार्टी मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आप ना आम पार्टी वगैरह में, आम ऑफिस में या उसमें जा सकते हैं, या आप ना कॉलेज कर लें तो बिल्कुल लाइट लाइट इसकी कवरेज ले लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, 3x कवरेज है, बहुत अच्छी है। आप इसके नीचे आपको कंसीलर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन आपका है ना फेस को अच्छे से कवर कर लेती है, आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह हो या डार्क सर्कल हो। तो इस तरीके की शेप में होती है, हांडी शेप में होती है, इसलिए इसको हम हांडी बेस कहते हैं। तो भाई इसमें ये जो हमारा शेड है, ये है 04। ये थोड़ा ना मेरी स्किन टोन से लाइटर था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शेड था। मेरे पास 2-3 ऐसे स्टिक है, मैं मिक्स करके अपना शेड बना लेती हूँ। तो भाई ये इसकी बहुत सारे शेड आते हैं, इसके ना बहुत ज़्यादा वैरायटी, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से लें। जो इसका ना जो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल नरम सा है। और आप इसको विंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं, गर्मियों में भी। वाटरप्रूफ बेस होती है, स्वेटिंग नहीं होती, बल्कि आप इसका वाटर चेक भी कर सकते हैं कि आप इस पर स्प्रे करके देखें तो ये टिश्यू वगैरह पर भी रिप्लेस नहीं होती। अब ये देखें, मैंने इस तरफ कुछ नहीं लगाया अपने हाथ पे, नो प्राइमर वगैरह कुछ नहीं। और ये देखें जी, कितना अच्छा इसने मेरे हाथ को ना ये कवर कर लेगी। थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेती है हाथ को। ये देखें, मेरा जो तिल था हाथ का वो भी इसने कवर कर लिया है। तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और इसको आप ऐसे फिंगर टिप की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नहीं तो आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी अप्लाई कर लें। अगर आपको ठीक ठीक लेयर चाहिए फेस पे, जैसे ब्राइडल पे चाहिए, तो आप ड्राई स्पंज से इसको अप्लाई करें, नहीं तो एक वेट स्पंज ले लें नॉर्मल लेयर के लिए, और उससे आप इसको अप्लाई करें। तो मैं एक तरफ प्राइमर लगा लेती हूँ ताकि थोड़े से जो मेरे पोर्स वगैरह हों स्किन पे, जैसे आप स्किन पे प्राइमर लगाएं, मैं हाथ पे आपको दिखा रही हूँ, थोड़े से वो सेट हो जाएँ। और 2 मिनट के लिए हम प्राइमर लगा के छोड़ेंगे ताकि ये जो हमारा प्राइमर है वो स्किन में हमारे जब्स हो जाए। 2 मिनट के बाद अब हम इस पर लगाएँगे अपना हांडी बेस। तो भाई मैंने थोड़ा सा, देखिए आप स्पंज में लगाऊंगी, मैं वेट स्पंज है ये, मैं ज़्यादा थिक लेयर नहीं दूंगी, और इसको इस तरीके से टैप टैप करके पूरे हाथ पे लगा लूंगी। तो ये बिल्कुल फेयर टोन के लिए है, बहुत ज़बरदस्त शेड है, आप अपने स्किन के हिसाब से लें। इसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे शेड आते हैं, इसमें पिंकी शेड भी आते हैं, जैसे काशी के जो बेस होते हैं पिंक पिंक, उनके उनसे मिलते जुलते भी शेड आते हैं। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे कवर। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसने कवरेज दी है, मेरे हाथ का तिल भी नहीं दिख रहा, मेरे हाथ में कोई स्पॉट्स हैं वो भी नहीं दिख रहे, ये आपको फुल कवरेज देता है। आप इसको ब्राइडल मेकअप में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल सेट हो चुका है मेरा, दोनों तरफ जो मैंने प्राइमर लगाया था उस तरफ भी, और जहाँ मैंने प्राइमर नहीं लगाया था उस तरफ भी। ये देखें जी, बिल्कुल सेट हो गया है। अब ये तो बिल्कुल आप चाहें तो इसको ऐसे छोड़ दें, लेकिन नहीं, हम बेस को कभी ऐसे नहीं छोड़ते, हम इसको करेंगे लॉक। इसके लिए मैं ST का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, आप भी ना कोई सा भी पाउडर लें और इसको अच्छे से प्रेस करें। बस इसका जो शेड है वो B2 है, आप अपने शेड के अकॉर्डिंग इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएँ या लूज़ पाउडर लगाएँ, और इसको अच्छे से लॉक कर लें ताकि आपका जो बेस है वो बिल्कुल रिप्लेस नहीं हो और अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहे, काफ़ी देर तक स्टे करे। क्योंकि ये जो हांडी बेस है ये तकरीबन 8 घंटे तक आपके फेस पे स्टे करती है, स्वेटिंग नहीं होती, स्वेटिंग होने के बावजूद ये आपके स्किन पे बहुत अच्छे से सेट करती है। तो ज़्यादा जिनको नहीं मेकअप अपने चेहरे पे थोपना होता तो वो सिर्फ ये 2 चीज़ें लगा लें तो उनका बेस बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप इस तरीके से इसे लगाएँ, और ये देखें जी आपकी हो गई बिल्कुल थिन लेयर रेडी बेस की। आप कोई थिक लेयर नहीं लगाई हमने, बिल्कुल थिन सी लेयर लगाई है, बिल्कुल स्मूथ है ये, हमारा बिल्कुल केकी फेस नहीं करेगी, ये बिल्कुल स्मूथ फेस देगी और बहुत अच्छा मेकअप लुक लगेगा जब हम इस पर अपना पूरा मेकअप करेंगे, जब आइज मेकअप, हाईलाइटर, ब्लशन, कंट्रोल सब करेंगे तो हमारा बेस बहुत
देर तक स्टे करेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको आप ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी प्रेस है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। ये मुझे तकरीबन 750 की मिली लोकल मार्केट से, आप कोई सी भी मार्केट से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बेस है, तो एक दफ़ा इसको ज़रूर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप लगा सकते हैं, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आप हर सीज़न में इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको बिल्कुल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें ना टेक्निक नहीं है, कोई इसमें कोई फार्मूला नहीं है लगाने का, बहुत इजी है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, अगर आपकी स्किन ड्राई है, और उसके बाद आप इसमें प्राइमर लगाएं, प्राइमर लगाने के बाद ये बेस लगा लें और इसको कर लें लॉक लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से, जो आपको सूट करे, और स्किन टोन के हिसाब से लें आप अपने कलर शेड, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और आप ये जो कॉलेज गर्ल हुई या फिर आप ये कोई पार्टी मेकअप हुआ, ब्राइडल मेकअप हुआ, आप उसमें यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।